ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड। समाज सेवी और मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी पंडित मनीष गोनियाल ने मेयर सुनील उनियाल गामा को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि विजय कॉलोनी क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा है, साथ ही खुले में नाला बह रहा है जिससे कि डेंगू का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। साथ ही क्षेत्र में सैनिटाइजेशन को लेकर भी उन्होंने मांग की, जिस पर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि वे शीघ्र ही क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और सैनिटाइजेशन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देशित करेंगे और जल्दी वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था भी की जाएगी। देहरादून के विजय कॉलोनी क्षेत्र में जहां जनता पहले ही कोरोना वायरस से त्रस्त थी, अब डेंगू के प्रकोप ने भी क्षेत्र में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में भय का माहौल व्याप्त है। लोगों का कहना है कि कोरोना काल में एक भी जन प्रतिनिधि क्षेत्रवासियों की सुध लिए नहीं आए हैं और न ही किसी प्रकार की मदद की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई सालों से क्षेत्र में नाला बह रहा है और वहां पर गंदगी का अंबार है, लेकिन ना तो क्षेत्रीय सभासद और ना ही नगर निगम द्वारा वहां पर सफाई व्यवस्था की गई है, जिससे लगातार क्षेत्र में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। जी आदरणीय, आज पार्षद द्वारा फोन आया कि 10 आदमी का नाम दे दो, हम राशन बांटना चाह रहे। मैंने मना कर दिया उन्हें। क्यों, का किस कारण से आपने उन्हें मना किया? जब आप 5-6 कितना उसको इलेक्शन जीते हुए कितना दिन हो गया, 5 साल होने वाला है, 5 साल होने वाला, अभी तक यहाँ झांकने तक नहीं आया। अब हमने विनोद, क्या नाम, मनीष गुनियाल जी को हमने संपर्क करा, वो आए पूरा सहयोग लेके गरीब आदमी के लिए राशन रूशन सब। अम्मा क्या नाम है आपका? शारदा देवी। शारदा देवी जी, किस प्रकार की समस्याएं आप झेल रही हैं और आज आपने मनीष गुनियाल जी को यहाँ पे बुलाया, तो आपने किस चीज़ का निरीक्षण कराया इनसे? यहाँ तो पूरी समस्या है भैया, यहाँ पूरी समस्या है। यहाँ का पार्षद कभी कुछ नहीं करा, ये नाला सब खुला है, कितने साल हो गए अभी तक भी ना नाला बंद हुआ, हर एक जगह के नाले बंद है, लेकिन इस खाले में तो अभी तक कोई काम ही नहीं है। लगातार क्षेत्रवासियों की समस्या को सुनते हुए मैं समस्या दूर कर रहा हूँ, उसमें राशन की जो कमी जिसको हो रही है, लोगों का लगातार फोन आ रहा है मुझे। उसी प्रकार मुझे विजय कॉलोनी वार्ड नई बस्ती वार्ड नंबर 3 से वहाँ से फ़ोन आया लोगों का, तो हाँ उनकी समस्या देखने के लिए मैं वहाँ गया, तो काफ़ी लंबे समय से जनप्रतिनिधि उनकी अनदेखी करी वहाँ पर, और जो क्वारंटाइन हो रखे थे लोग, उनके व्यवसाय जिनके छूट गए थे कोरोना महाकाल में, उनके यहाँ से मुझे फ़ोन आया, तो मैंने उनकी समस्या को देखते हुए उनको राशन वितरित करा, और वहीं उन्होंने अपनी समस्या जब मुझे बताई कि जो खुले में यहाँ कूड़ा इतना गंदगी हो रखी है वहाँ पर, वैसे कोरोना की मार झेल रहे हैं लोग, बाग उसी को देखते हुए जो कूड़ा का ढेर वहाँ लगा हुआ है उसी में डेंगू होने की काफ़ी समस्या बनी पड़ी है, उसी को देखते हुए मैंने लोगों की समस्या दूर करने का उन्हें आश्वासन दिया। उसी के दूसरे दिन में मेयर साहब से मिला नगर निगम में, उनको मैंने एक ज्ञापन दिया और मेयर साहब ने मुझे जल्द से जल्द वहाँ कूड़ा का निस्कारण हटाने के लिए और उसमें सैनिटाइज कराने के लिए आश्वासन दिया है। क्षेत्र के चाहे वो गंदगी की समस्या हो, चाहे नगर निगम की कोई भी समस्या हो, कोई भी जनप्रतिनिधि जो है समस्या लेके आता है तो उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। इसी तरीके से समाज सेवी हमारे मनीष जी अपने कुछ क्षेत्र की समस्याओं लेके आए हैं, चाहे वो सफाई की समस्या हो, चाहे वो सैनिटाइजर की समस्या। हमारी प्राथमिकता है कि देहरादून में जो है पूरे शहर को सैनिटाइज करना है, जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी ना हो, क्योंकि सुंदर दून का जो हमारा नारा है स्वच्छ दून सुंदर दून, वो तभी साकार होगा जब हम सफाई पे भी फोकस करेंगे, हम सैनिटाइज पे भी फोकस करेंगे, और आने वाले समय में जो डेंगू का प्रकोप ना पनपे उसके लिए भी हम अभी से जो है महाअभियान चला रहे हैं। मुझे लगता है कि बरसात से आने से पहले पहले बरसात में जहाँ जहाँ जल भराव होता है, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है और जहाँ लार्वा पनपता है, उसके लिए भी हम अभी से अभियान चला रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ना तो लार्वा पनपे और ना ही डेंगू की समस्या हो। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड।